हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको मिक्स वेजिटेबल विदाउट पनीर बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में पानी ले लिया है और इसको मैंने गैस पर रख दिया है गर्म करने के लिए। अब मैं इसमें सब सब्जियों को उबालूंगी जिनसे हमें मिक्स वेजिटेबल बनाना है। तो पहले मैं इसमें एक चम्मच नमक डाल रही हूँ और अब मैं इसमें सब्जियां डालूंगी जो कि है फूल गोभी। इसको मैंने एक बार गर्म पानी से धो लिया था, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। 200 ग्राम सेम को डालूंगी मैं इसमें, जो कि मैंने छोटे छोटे बारीक काट ली है। और आलू गाजर इनको भी मैंने यहाँ पर एक गाजर और एक आलू लिया है, इन्हें भी मैंने काट लिया है। और अब इन सब सब्जियों को 10 मिनट तक मैं उबाल रही हूँ यहाँ पर, और कम से कम मैं ये कोशिश करूँगी कि 70% कुक हो जाए तब तक इस सब्जियों को उबालना है। तो कम से कम 10 मिनट तो आप ज़रूर उबालें। सब्जियों को 10 मिनट तक कुक कर लेना है। जब 10 मिनट हो जाए तब हम देख लेंगे कि सब्जियाँ आधी से ज़्यादा कुक हो चुकी हैं, तब हम गैस को बंद कर लेंगे। और अब इन सभी सब्जियों को इस तरह की छन्नी से छान के अलग कर लेंगे पानी से, और कम से कम 10 मिनट के लिए हम इसे अलग रख देंगे ताकि उसका जो पानी है वो निकल जाए। इस तरह से छन्नी में हम सब सब्जियों को निकाल के अलग रख लेंगे ताकि सारा पानी निकल जाए। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने एक टेबलस्पून तेल डाला है। जब वो गर्म हो गए हैं तब एक चम्मच सौंफ और एक चम्मच राई डाल दिए हैं। अब मैं इसमें 6 से 7 लहसुन की कलियों को डालूंगी और एक मध्यम आकार का प्याज जो कि मैंने बारीक काट लिया है, अब वो भी इसमें डाल दूंगी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि जो प्याज है वो थोड़े जल्दी से नरम हो जाए। और इन सभी चीज़ों को लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, अब हम उसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे चलाएंगे। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगी तब मैं इसमें एक टमाटर डाल रही हूँ बड़े आकार का, इसको मैंने काट लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा, अगर आपको खट्टा पसंद हो तो थोड़ा ज़्यादा टमाटर भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें एक चम्मच नमक डालूंगी जिससे कि ये जल्दी से पक जाए। अब मैंने इसमें एक छोटा चम्मच हल्दी का मिला लिया है और एक छोटा चम्मच हम लाल मिर्च का भी इसमें ऐड कर लेंगे। इसके अलावा 2 छोटे चम्मच नारियल का बुरादा और 2 छोटा चम्मच मूंगफली का पाउडर। मूंगफली का पाउडर हम कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा मूंगफली को भून लेंगे और उसको मिक्सर ग्राइंडर में चला लेंगे तो उसका पाउडर बन जाएगा, तो वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इन दोनों को ऐड करने से जो सब्ज़ी है उसका स्वाद और रंग बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। दो से तीन मिनट के बाद अब इसमें 2 छोटा चम्मच गरम मसाले का मैं ऐड कर रही हूँ और 2 ही छोटे चम्मच धनिया पाउडर भी ऐड करूँगी। अब इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसके अलावा मैं 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी भी इसमें ऐड करूँगी। कसूरी मेथी से भी स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको आप डालेंगे तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और 3 से 4 मिनट तक हम और टमाटर को पकाएंगे। इसके लिए हम इसको ढक लेंगे, तो मैं इसे ढक्कन से ढककर 3 से 4 मिनट तक और पकाऊंगी। तीन से चार मिनट के बाद अब जब मसाले अच्छे से पक गए हैं तो हम इसे देख लेना। देखिए मसाला पक गया है, क्योंकि हमारा जो मसाले के किनारों पर तेल जो है अलग से निकलने लगा है। मसाला जो है जब तेल छोड़ने लगता है तो इसका मतलब होता है कि मसाले अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम जो हमारी जो हमने सब्जियां उबाल ली थी
वो हम इस मसाले में डाल देंगे, और इस सब्जी के हिसाब से नमक को भी ऐड कर लेंगे। आप अपने स्वाद अनुसार नमक को यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब सब सब्जियों को अच्छे से मसाले में हमको मिला लेना है, ताकि सारा मसाला सभी सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर इस सब्जी को कम से कम 5 मिनट तक धीमी आंच पर कुक करना है, क्योंकि ये सब्जियां पहले से ही उबली हुई हैं, तो ये हाफ से ज़्यादा कुक है, 70% तक कुक है। लेकिन अगर आपको लगता है कुछ ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत है, तो 5 से 10 मिनट तक भी आप इसे कुक कर सकते हैं। और अब हम इसे ढककर कुक करेंगे, या आप चाहें तो खोलकर भी इसे कुक कर सकते हैं, जैसा आपको लगे आप वैसा कर सकते हैं। सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, उसको हम हरे धनिए से सजा लेते हैं, गार्निश कर लेते हैं, और इसे हम पूरी पराठा रोटी किसी के भी साथ लंच या डिनर में बना के खा सकते हैं। आप भी इसे बनाएं और अपने परिवार के साथ मिलकर खाएं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड सिंपल रेसिपीज कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपने अनुभवों को शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें निधि की रसोई। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स फ्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।